हे गाइस, वेलकम बैक टू द 2022 के पुश पुल और लेग सीरीज में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा करंट पुल वर्कआउट रूटीन शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं अपने बैक, बाइसेप और रेड एल्स को ट्रेन करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ अपना करंट पुश वर्कआउट रूटीन इन डेप्थ शेयर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर आप अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्लेमर, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर या फिर एक प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ। जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ प्योरली कम्स आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मेरा ट्रेनिंग रूटीन कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें मैं इन टोटल बैक के लिए 3 एक्सरसाइज, रेड एल्स के लिए 1 और बाइसेप के लिए 1 एक्सरसाइज लगाता हूँ। सो जब भी बैक ट्रेनिंग करने की बात आती है, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, विच इज़ लैट पुल डाउन्स। लैट पुल डाउन्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे ओवरऑल बैक को टारगेट करती है और लैट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। सो मेक श्योर आप जब भी लैट पुल डाउन्स एक्सरसाइज परफॉर्म करें, वेट ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें आपके 12 रेप्स आ सकें। एंड गाइज, फोकस ऑन स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्शन। जब भी आप वेट को रिलीज करते हैं, सो आप स्लोली रिलीज करें एंड स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करें और फोकस ऑन स्ट्रेच एंड माइंड मसल कनेक्शन। सो इन टोटल मैं इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाता हूँ। सो रैप रेंज मेरी होती है 12 से 8। और जब भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालते हैं, मेक श्योर आप एक अपने स्पॉटर की हेल्प ज़रूर लें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज, विच इज़ लैट्स पुल ओवर। पहले मुझे लगता था कि लैट पुल ओवर्स एक बेसिक एक्सरसाइज है और हमारे बैक को ज़्यादा टारगेट नहीं करती, और अभी काफ़ी प्रैक्टिस के बाद मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो अ बैक। सो इन टोटल मैं इस एक्सरसाइज के 5 सेट लगाता हूँ। रैप रेंज मेरी 10 से 12 तक रहती है, कभी कभी मैं 15 रेपिटेशन तक भी चला जाता हूँ। और इसमें मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता, क्योंकि ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है और हमारे बैक को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट करती है और एक अच्छे लैट्स ग्रो करने में भी हेल्प करती है। जस्ट मेक श्योर इस एक्सरसाइज में भी आप राइट स्ट्रेच और राइट कॉन्ट्रेक्शन दें और माइंड मसल कनेक्शन ज़रूर रखें। बैक की आखिरी एक्सरसाइज है डंबल श्रक्स। डंबल श्रक्स हमारे अपर बैक और ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करती है। काफ़ी सारे लोग अपने ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए अलग डे देते हैं, लेकिन मैं अपने ट्रैप्स को एक बैक वर्कआउट में इन्वॉल्व करता हूँ ताकि मेरी अपर बैक और ट्रैप्स अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। सो आप डंबल से भी श्रक्स परफॉर्म कर सकते हैं या फिर आप बार से भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं इसके लगाता हूँ 3 सेट। तो रैप रेंज मेरी 8 से 12 रहती है, जिसमें मैं फेलियर को हिट कर सकूँ। बाइसेप वर्कआउट की बात आती है तो काफ़ी सारे लोग बाइसेप ग्रो करने के लिए अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बाइसेप एक छोटा मसल है, सो आपको इसमें ज़्यादा वेरिएशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बाइसेप की एक एक्सरसाइज लगाता हूँ, विच इज़ बाइसेप कर्ल्स। बाइसेप कर्ल्स आप डंबल से भी कर सकते हैं या फिर रॉड से भी करते हैं। जस्ट मेक श्योर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड लें और रैप रेंज 8 से 10 तक रखें और फेलियर को हिट करें। मैं इन टोटल बाइसेप कर्ल्स के 4 सेट लगाता हूँ, जिसमें मेरी रैप रेंज 8 से 10 रहती है और मैं बीच में एक सेट ड्रॉप सेट भी कभी कभी लगा लेता हूँ। सो हमारे पुल वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज है रेड एल्स। सो काफ़ी सारे लोग रेड एल्स को ट्रेन करने के लिए काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस लगाते हैं और कोई रेड एल्स को ट्रेन ही नहीं करता। रेड एल्स एक हमारे बॉडी पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट मसल है और ये हमारे शोल्डर को 3D लुक देने में भी हेल्प करता है। सो मेरी एक्सरसाइज है रिवर्स पैक डेक फ्लाइज। रिवर्स पैक डेक फ्लाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे कंप्लीट रेड एल्स को ट्रेन करने में हेल्प करती है, और इस एक्सरसाइज में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं इन टोटल इसके लगाता हूँ 4 सेट, और रैप रेंज मेरी उतनी रहती है जितनी बाइसेप कर्ल्स में रहती है। मेक श्योर जब भी आप रेड एल्स ट्रेन करें, एक राइट फॉर्म और एक राइट टेक्निक्स के साथ आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस, मेरे चैनल पे 190 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अभी आपको 200 तक पहुंचने में हेल्प करनी होगी। एंड गाइस, एक और बात, अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स और 15 कमेंट्स आते हैं तो मैं एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो काटूँगा, जिसमें मैं पब्लिक के बीच में जाऊँगा और शर्टलेस होके वॉक करूँगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो जाके कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।
सो गाइस लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दस लाइक दबाइए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी यहाँ पे देखिए।